नमस्कार दोस्तों, अक्सर हमें एक चीज़ की समस्या दिखती है कि हमें यदि अपनी ज़मीन या भूमि को कोई एकड़ में मापने का बोल दे, या फिर आप भूमि पर बैंक से लोन लेना चाहते हैं और वह आपको ज़मीन को एकड़ में बताने का बोल दे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने अक्सर ज़मीन को बीघा में नापने को समझ रखा है। भूमि को अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मापा जाता है। जैसे यदि कम जगह को नापना है तो उसे स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में नापते हैं, ज़्यादा भूमि को बीघा में, हेक्टेयर में या एकड़ में मापते हैं। तो यह सब भूमि मापन की इकाइयाँ होती हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूमि कितनी है। दोस्तों, बीघा से जो भूमि का मापन किया जाता है वह देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे कि कहीं पर एक एकड़ में 1.63 बीघा होता है और कहीं पर एक एकड़ में 3.63 बीघा होता है, तो कहीं पर एक एकड़ में 1.56 बीघा होता है। तो इस प्रकार जब एकड़ से बीघा में बदला जाता है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिलता है। दोस्तों, बीघा से भूमि मापने का इस्तेमाल आमतौर पर उत्तर भारत में असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वहीं इसका इस्तेमाल पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश और नेपाल में भी किया जाता है। यहाँ पर हम एक चार्ट देखेंगे जिससे हमें कुछ राज्यों का पता चल जाएगा कि इन राज्यों में एक एकड़ में कितना बीघा होता है। चार्ट में हम देखेंगे कि असम में एक एकड़ जो होता है उसमें 3.602 बीघा होता है, वहीं बिहार में एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है और गुजरात में एक एकड़ में 2.50 बीघा होता है, हरियाणा में एक एकड़ में 4 बीघा होता है। हमारे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक एकड़ में 3.63 बीघा होता है, यानी लगभग 3.5 बीघा के आसपास होता है एक एकड़ मध्य प्रदेश में। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो एक एकड़ में 3.602 बीघा होता है और उत्तर प्रदेश में एक एकड़ में 1.56 बीघा होता है, हिमाचल प्रदेश में एक एकड़ में 5 बीघा, राजस्थान में एक एकड़ में 1.6 बीघा, उत्तराखंड में एक एकड़ में 5 बीघा और पंजाब में एक एकड़ में 4 बीघा होता है। तो दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो हमारे यहाँ एक एकड़ में लगभग 3.63 बीघा यानी लगभग 3.5 बीघा के आसपास होता है। तो दोस्तों, आपको अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग बीघा को एकड़ में कन्वर्ट करना है। इस चार्ट के अनुसार आप समझ सकते हैं कि आपके राज्य में एक एकड़ में कितना बीघा होता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से बीघा और एकड़ के बारे में समझ आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।